लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रुक गई। हाई कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के लिए इंतजामी अफसरान को आरोस लगाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकी नजफी ने पीटीआई की दरख्वास्त पर आरोस तैनाती मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया। मामला लाजर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इरसाल किया। तहरीरी फैसले में लिखा, शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौका देना होता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। अगर बड़ी पार्टीज नतीजे कबूल ना करें तो सब जाया हो जाएगा। हम इलेक्शन का इल्तिवा नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं, इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को आरओ नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली का खदशा है। रिटर्निंग अफसर हमेशा अदलिया से लिए जाते रहे हैं। सिविल जजेस या सेशन जजेस से आरओस लिए जाएं। अब भी उम्मीद है इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। मजीद कहा, पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करवाने का पीटीआई का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके। डीआरओज और आरओज की तैनाती के बाद ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। टीटीआई ने डीआरओज और आरओज की तैनाती चैलेंज की। मुअत्तली के बाद की सूरत हाल पर गौर जारी, जल्द लाया अमल तय किया जाएगा। आपने हमारे रिटर्निंग अफसर मुअत्तल करा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई वकील अली जफर से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में था, पता नहीं चला, सरप्राइज मिला। अली जफर का जवाब, इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। वकील, पीटीआई की मसरूफियत की वजह से आज समाअत नहीं हो सकेगी। कमीशन ने समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अली जफर के दलाइल जारी रहेंगे। दो हज़ार 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डीआरओस की जिम्मेदारी निभाई है। तब पीटीआई को ब्यूरोक्रेसी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर लेने पर कोई एतराज़ नहीं था। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, पीटीआई ने इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी की है। साइफर कहानी और आईएमएफ प्रोग्राम की तरह इलेक्शन के खिलाफ भी साजिश की गई। पीटीआई मुल्क में आइनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। अगर 8 फरवरी के इंतखाबात में तखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। फैसल कुंडी कहते हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात होना इंतहाई ज़रूरी है। हालात जैसे भी हों, इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। खालिद मक्सी ने कहा, आरोज का नोटिफिकेशन मुअत्तल होना इलेक्शन सबोताज करने के मुतरादिफ है। शेड्यूल आने के करीब अदालती फैसला हैरानकुन, इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। फिरदौस आशिक ने कहा, पीटीआई की दरख्वास्त पर तरबियत रुकने से इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स की तायुनाती की मुखालफत पीटीआई का शर्मनाक ताखीरी हरबा है। फैसल सब्जवारी बोले, पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है, अदालत से फौरी रिलीफ मिला। लाडले को लाकर पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले, उनके दौर में इलाज मुफ्त था, अब दवाएं नापैद हैं। आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था। पाकिस्तान को फिर क्यों तबाही में धकेला गया? पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का घर बना दिया? उन पर तमाम मुकदमात जाली थे, अदालत ने सब इल्जामात से बरी कर दिया। उनके खिलाफ शर्मनाक खेल के तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। उन्हें सिसिलियन माफिया और गार्ड फादर की गालियां दी गईं। तवील अरसा जेल में रहे नवाज शरीफ सब्ज बाग नहीं दिखाता, जो कहता है वो करता है। अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान का फैसला जरूर सुनाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। लाहौर, इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद। धुंध के बायस मोटरवे M3 पर फैजपुर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का भी मशवरा। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत। अदालत की शौकत सिद्दीकी को फैज हमीद और दीगर अफराद को फरीक बनाने की इजाज़त। चीफ जस्टिस फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, तबाही ये है, शख्सियात को बुरा नहीं कहते और इदारे को बुरा कहते हैं। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने की देर के
किसी भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उन्हें फरीक बनाएं। अब तो आपके पास मौका है, उनको फरीक क्यों नहीं बनाते। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। 1 जनवरी 2024 के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। जस्टिस मुजाहिर की ओपन समाअत की दरख्वास्त भी मंजूर की गई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल की जस्टिस मुजाहिर नकवी को मजीद वक्त देने की मुखालफत। चीफ जस्टिस फैज ईसा ने कहा, कोई नहीं चाहता अपने साथी जजेस से सवाल जवाब करे। बदकिस्मती से ये तकलीफ दे काम उनके हिस्से में आया। जुडिशियल काउंसिल में केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई और शाह महमूद की दरख्वास्तों पर 22 दिसंबर को समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बेंच भी तब्दील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नए बेंच की तश्कील। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतर मिनला भी शामिल। साइफर केस के ट्रायल की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की इन कैमरा ट्रायल की इस्तिगासा की दरख्वास्त मंजूर। हुक्मनामे के मुताबिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर केस की कार्रवाई नशर नहीं होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना की मौजूदगी मशरूत होगी। फैमिली अरकान अदालती कार्रवाई को किसी जगह बयान नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में दौरान समाअत रिमांड दिया। दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में 5 साल नाहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच बना दिया। सरबराह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन होंगे। इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। मजीद समाअत 18 दिसंबर को होगी। झलमक्सी में जीप रैली की क्वालिफाइंग राउंड आज से शुरू होंगे। झलमक्सी में जीप रैली में सैकड़ों रेसर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे। झलमक्सी जीप रैली का फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर को होगा। झलमक्सी में जीप रैली का खतरनाक ट्रैक मुकम्मल हो गया। गुज़श्ता सैलाब से जीप रेस रैली का ट्रैक तबाह हो गया था। ट्रैक की मुरम्मत कर ली गई है।